हाँ उसके सिलेक्ट मोबाइल वालों के पास ना असलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका अपना सुल्ली व्लॉगर। आपने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा जिसके अंदर मैं सामान वगैरह लेने गया था। हमने डिवाइस ली थी एक, वो जो कनेक्टिंग वाली थी, मैं आपको मैंने दिखाई थी ना, तो वो ख़राब निकल आई है। उन्होंने 2 दिन की वारंटी दी थी। अब चलते हैं उसको वापस कराने, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी चलते हैं। तो फिलहाल बालों पे फेर लेते हैं, हाथ बड़े रखे हैं, ज़रा शशके होते हैं। तो अभी चलते हैं यार दुकान। हम पहुँच गए सिलेक्ट मोबाइल वालों के पास ना, ठीक है, जिनसे कल डिवाइस ली थी। अब अंदर चलते हैं, एक बार चेक कराते हैं उनसे। हमने भाई को बोला कि भाई ये आपका पीस खराब निकल रहा है, तो भाई कहते हैं चलो रुको मैं देखता हूँ, अगर स्टॉक पर है तो मैं एक्सचेंज कर देता हूँ। लेकिन भाई के पास स्टॉक नहीं था पड़ा हुआ, जिसकी वजह से हमें ये वापस करानी पड़ी। फिर हमारे पैसे उन्होंने हमें रिटर्न कर दिए हैं। इसकी वजह एक दफ़ा गिन ले यार, अच्छा होता है। तो अब चलते हैं दूसरी दुकानों पर जाकर उधर से पता करते हैं उनके पास डिवाइस अवेलेबल है कि नहीं। अभी चलते हैं। अब हम दूसरी दुकान पर पहुँचे हैं, अभी सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़ लें फिर आगे चलते हैं। अंकल ने बोला कि दूसरे वाले काउंटर पे जाओ। अब उधर गए तो उन्होंने सीधी सीधी ना पकड़ा दी, कहते हैं आराम सुकून से आगे वाली दुकान पर चले जाएं। तो अभी दूसरी दुकान पर चलते हैं यार। इधर से भी हमें डिवाइस नहीं मिलती, फिर हम दूसरी दुकान पर चले जाते हैं। डिवाइस तो बंदा ले ही लेता है यार। फिलहाल इधर कूलर लगा हुआ था और बाय टेम्परेचर 50 के आसपास था। तो सबसे पहले मैंने पानी का गिलास भरा और सुन्नत के तरीके से मैंने इस पानी को बैठकर और 3 सांसों के अंदर ख़त्म कर दिया था। और फिर हम अपने सियालकोट की सबसे बड़ी मार्केट के अंदर पहुंचे। इधर मैंने अपनी गाड़ी रोकी और ये बाइक से हमने पूछा कि हमें ये डिवाइस मिलेगी कि नहीं। उन्होंने साथ वाली दुकान पर कॉल की और लड़के से डिवाइस मंगवा ली। फिर उन्होंने हमें ये डिवाइस चेक कराई और ये डिवाइस हमें अच्छी भी लगी। फिर हमने बोला कि हमें इसे कनेक्ट करके भी दिखा दें, क्योंकि हमें बार बार चक्कर ना लगाना पड़े इस वजह से। ये डिवाइस मोबाइल से कनेक्ट हो गई थी और फिर हमने इस डिवाइस को खरीद लिया था। और अब हम मैंगो शेक पीने के लिए रवाना हो गए थे। अभी चलते हैं दुकान पर, फिर आपको जाकर दिखाता हूँ मैं। अब हम शेक वाली दुकान पर पहुँच गए थे। फिर मैंने गाड़ी को लगाया लॉक और शॉपर में इधर ही छोड़ के जाने लगा, लेकिन मुझे याद है यार हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने इसको उतारा। अब चलते हैं दुकान के अंदर यार। अब मैंने इस शेक को पीना शुरू किया तो आय हाय 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 मज़ा आ गया, इसलिए आँख कर गया यार। फिर अब प्यास लगनी शुरू हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत थी ना। तो अब हम आगे जा रहे हैं, रुकते हैं किसी दुकान पर, उधर से पकड़ते हैं पानी की बोतल और छकास से पी जाते हैं।
फिर इधर से हमने पानी की बोतल पकड़ी, नई किस्म की बनी हुई थी, तो इसको आप पीते हैं। बोतल का ख़त्म होने के बाद ये ठिकाना होता है और ये पड़ी हुई आराम सुकून से अब निकलते हैं। जब हम उधर से निकले थे तो अच्छी भली गर्मी थी, धूप निकली थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर बादल आ गए हुए थे पूरे पहाड़ों के साथ, फुल लेविश सीन हो गया था। तो अब चलते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दियो मेहरबानी जे। अब हम अपनी गली में पहुंचे और सुकून हो गया क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है, बाहर तो बड़ा सही था यार। अब चलते हैं अपने घर। और यार अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।